हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मेरी आज की रेसिपी है बेक्ड ऑमलेट, जिसे मैं बनाऊंगी अवन में। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एग्स। इस रेसिपी में मैं 6 एग्स यूज़ कर रही हूँ। सो आप एग्स को ऐसे तोड़ के एक बोल में डाल दें। और आप चाहें तो ज़्यादा एग्स भी ले सकते हैं, या आप कम एग्स में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। एग्स को डालने के बाद इन्हें आप अच्छे से यहाँ पे बीट कर लें। आप हैंड विस्कर से कर सकते हैं या स्पून से भी कर सकते हैं। सो इन्हें यहाँ पे ऐसे विस्क करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे वेजिटेबल्स, और हेल्दी, टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए। सो मैं इसमें ले रही हूँ स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स, उसके साथ प्याज और हरी मिर्च। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च। फिर हम इसमें डालेंगे गाजर, और इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कॉर्न्स, जिन्हें मैंने बॉईल किया है। सो ये एक बहुत ही कलरफुल सी रेसिपी बनेगी। इसमें सारे कलर्स ऐड किए हैं हमने। इन्हें भी आप अच्छे से एग्स के साथ यहाँ पे मिक्स कर लें, और आप अपनी पसंद की इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, थोड़े से कलर के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर। आप यहाँ पे काली मिर्च पाउडर या कोई भी मसाला डाल सकते हैं। फिर आप इसमें डाल दें सॉल्ट टू टेस्ट, और आप इन सारी चीज़ों को फिर से एग्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। आप अपने मिक्सचर को जितना अच्छे से विस्क करेंगे, आपका ऑमलेट उतना ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। और अब आप यहाँ पे ले लें बेकिंग डिश, और इसे जो है हम यहाँ पे ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो ऑमलेट है वो नीचे नहीं चिपकेगा और इजीली बाहर आ जाएगा। सो आप यहाँ पे ऐसे ऑयल डाल दें, और इसे आप ब्रश से या हैंड्स के साथ आप अच्छे से ग्रीस कर लें आपकी बेकिंग डिश को। और अब आप यहाँ पे आपके अवन को प्री हीट कर लें। उसके लिए आप सबसे पहले आपके टेम्परेचर को सेट करें 230 डिग्री पे। उसके साथ फिर आएगा फंक्शन। फंक्शन में हमें यहाँ पे चाहिए अपर एंड लोअर हीटिंग प्लस फैन, जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं। ऊपर और नीचे ऐसे वेव्स बने हैं और बीच में फैन बना है। सो आप वहाँ पे सेट कर लें। और टाइमिंग में हम यहाँ पे 5 मिनट्स पे सेट करेंगे, क्योंकि हम इसे प्री हीट करेंगे 5 मिनट्स के लिए। तब तक आप आपके ऑमलेट के मिक्सचर को बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र कर लें। मैंने इस पे बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, जिससे कि बहुत ही हेल्दी, थोड़ा सा क्रंची वेजिटेबल्स की वजह से, और काफ़ी टेस्टी बनेगा। सो हमारा अवन प्री हीट हो चुका है। अब आप हैंड ग्लव्स को यूज़ करते हुए आपकी जो बेकिंग डिश है उसे आप सेंटर में प्लेस कर लें, और इसे आप कर दें यहाँ पे बंद। और बाकी सारे फंक्शन सेम रहेंगे, बस आप टाइमिंग को यहाँ पे 20 मिनट्स पे कर दें। और 20 मिनट्स के बाद हमारा बेक्ड ऑमलेट बन के रेडी हो चुका है। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, और अंदर से ये परफेक्टली कुक्ड है। सो इसी तरीके से आप भी बेक्ड ऑमलेट बनाएं, और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस रेसिपी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही अमेजिंग सी रेसिपीज को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूंगी एक और बहुत ही डिफरेंट बट टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।